हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पर प्रैक्टिस सेट। ये 2007 बीएड में पूछा गया पेपर है और ये स्मृति पर आधारित पेपर है। तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने एमपी परीक्षा सफलता की ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप को आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप व्यापम के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएँ, चाहे वर्ग एक हो, वर्ग दो, MPSC, MP कॉन्स्टेबल, और साथ ही साथ अब आप MPPSC की भी बहुत अच्छे से इस ऐप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप व्यापम की टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो इस कोड को जरूर लगाइए, VIJDPB50। इससे आपको व्यापम की टेस्ट सीरीज पर 50% की छूट मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। हिंदी भाषा पर लेकर आए हम प्रैक्टिस सेट। काफ़ी दिन से आप लोगों की डिमांड थी हिंदी पर। ये देखिए 2007 में मध्य प्रदेश प्री बीएड परीक्षा में पूछा गया 2007 का पेपर है और ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर है। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे तो चलिए बात करते हैं। पहले प्रश्न में इनमें से सही शब्द कौन सा है? सिंगार, सिंगार, सिंगार और सिंगार। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए प्रैक्टिस साथ ही साथ करते चलना। सही शब्द है तो इसका सही उत्तर है सिंगार। ये स जो सी नंबर का ये सही लिखा है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। नीह धन विकार इक्वल टू कौन सा सही लिखा है? नी विकार, निर्विकार, निबी कार और नीह विकार। तो कौन सा सही लिखा है? आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है निर्विकार। ये सही लिखा है। आप भी मेरे साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चल रहे होंगे और जरूर ये बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए। मनह धन भाव का इक्वल टू होगा मन धन भाव, मनह याव, मनोभाव, मन याव, मनह धन भाव। तो इसका सही उत्तर होगा मनोभाव। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आप भी सॉल्व करते चलिए जल्दी जल्दी मेरे साथ। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज धनजन, सत जन धनजन, सज्जन और सधन जन। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है सत धन जन। मैग्नेनी में कौन सा समास है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है तो आपको ये प्रश्न आ सकता है। और साथ ही साथ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पंचवटी, ये तो कई बार पूछा गया। तो ये दोनों प्रश्नों को आप मोस्ट टाइम पे लगा लीजिए, इन्हें तो रट ही लेना आप। मैग्नेनी में कौन सा समास है? अव्यवी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारा है, बहुव्रीय है। मृगनैनी में कौन सा समास है? आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है कर्मधारा है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पंचवटी में कौन सा समास है? अव्यवी भाव है, नज है, कर्मधारा है, बहुव्रीय है। पंचवटी में तो इसका सही उत्तर है बहुव्रीय। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। नोट करते चलना आप साथ ही साथ। और कितने आपके मार्क्स हैं जरूर कमेंट करके बताएं। वानर का तद्भव रूप है बानर, बंदर, बादर, बांदर। वानर का तद्भव रूप है तो इसका सही उत्तर है बंदर। दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन, दर्शन, दर्श और ये देखिए दर्श। तो देखिए दर्शन का तद्भव शब्द ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है तो इसका सही उत्तर है दर्शन। इस तरह से इसका ये तद्भव रूप होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए मैं कुछ समय तक जरूर स्क्रीन सामने रखता हूँ ताकि आप क्या करें इसे नोट कर सकें। निम्नलिखित शब्दों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित कीजिए, ये निर्देश है। कटक, काटना, कीट, सेना, सरपट। कटक का देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ आपको क्या करना है? चिन्हित करना है, मतलब सही अर्थ कौन सा वो चुनना है। देखिए कटक का सही अर्थ क्या होगा? सेना को कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। खगास्त्र सूर्य ग्रहण को, चंद्र ग्रहण को, राहु काल को, संपूर्ण सूर्य या चंद्रग्रहण को। खगास तो इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण सूर्य या चंद्रग्रहण। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तुक्का फजीहत ऑप्शन ए निंदा, बेइज्जती, धिक्कार, झगड़ा। तुक्का फजीहत आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा धिक्कार। देखिए मैं सेकेंड बार जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब तो उसमें आंसर बता देता हूँ, तो आपको उससे पहले सॉल्व कर लेना है। लेकिन आप नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोककर आप सॉल्व कर ले, साथ ही साथ नोट भी वीडियो को रोककर कर लिया करें। काल का एक अर्थ है समय,
निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा? सोना, प्रकृति, मृत्यु, विशेष। काल का एक अर्थ समय है, तो निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा? आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसका सही उत्तर है मृत्यु। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पानी का एक अर्थ जल है, तो निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ खोजिए। बहना, झरना, सम्मान, विष। देखिए ये बोल रहे कि जब पानी का एक अर्थ जहां जल है, तो निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है सम्मान। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, नोट कर रहे होंगे आप। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? रण क्षेत्र, कौरव क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, यज्ञ क्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है रण क्षेत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ ये ध्यान में रखिएगा, क्या है? नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी का। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन है मही, क्षिति, अंबर, मेदिनी। क्या पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको जरूर होमवर्क में देना चाहूंगा, ताकि आप पर्यायवाची जरूर पढ़ें। इस बहाने आपकी कुछ ना कुछ तैयारी जरूर हो जाएगी, और पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? देखिए किसका पर्यायवाची नहीं है? पुष्प का नहीं है। तो ऑप्शन है प्रसून, पदम, कुसुम, सुमन। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही उत्तर है पदम। बात करते हैं अगले। देखिए निर्देश क्या दिया है? 17 से 21 तक के लिए निर्देश है। ये निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। देखिए विलोम है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए। ये तो कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, प्राचीन, या आप मोस्ट एम भी लगा लीजिए, प्राचीन। इसका विलोम क्या होगा? समीचीन, वर्तमान, अवार्चीन, नवयुग। प्राचीन का, तो इसका सही उत्तर होगा अवार्चीन। मोस्ट टाइम पे लगा लेना है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वीडियो को रोककर जरूर नोट कर लेना, ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। कृतज्ञ, कृतज्ञन, अकृतज्ञ, कृत, कृतज्ञन। कृतज्ञ क्या विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है कृतज्ञन, ये इसका सही उत्तर है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखिएगा और यहाँ पर आप देखिएगा, काफी माइनर सा डिफरेंस है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। विनीत का क्या होगा? सीधा, व्यग्र, उग्र, कोई नहीं। विनीत का विलोम होगा, तो इसका सही उत्तर होगा उग्र। यह लोक क्या ये है? तो देखिए क्या क्या है, ऑप्शन है आंतरिक लोक है, वेद लोक है, परलोक है, पृथ्वी लोक है, यह लोक। आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो इसका सही उत्तर होगा परलोक। उपेक्षा का है परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। उपेक्षा का क्या होगा? आपने सॉल्व कर लिया होगा अपेक्षा। नोट भी करते जाना और याद भी करते जाना। ये जो निर्देश है कहाँ तक है? 22 से लेकर 26 तक के लिए। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, दूसरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है। प्रत्येक चार के विकल्प में उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सहोदर, ओरस, अन्योदर, दूरस्थ। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, तो इसका सही उत्तर हो जाता है अन्योदर। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, तो इसका सही उत्तर हो जाता है अनुपम। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपने सॉल्व कर लिया है, ये वही है जिसके बराबर कोई ना, बराबर का कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। तो क्या है इसका आंसर? अनुपम। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। गोद में सोने वाली स्त्री, अंकसायनी, अनिंद्रिय, सिद्धित, कोई नहीं।
गोद में सोने वाली स्त्री, तो इसका सही उत्तर हो जाता है अंक साइनी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, मेधावी, अविनीत, नास्तिक, आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है, आस्तिक। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कष्ट से संपन्न होने वाला, देखिए क्या है संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य, कोई नहीं। देखिए कष्ट से संपन्न होने वाला तो सही उत्तर है कष्ट साध्य। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? घबराते हैं, शर्माते हैं, चिल्लाते हैं, पछताते हैं। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन से शर्माते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। खटक खटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनर्म होना, कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है, यह होमवर्क में रखिए, आप जरूर इस बहाने मुहावरे पढ़ेंगे तो काफी सारे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे, काफी सरल होते हैं मुहावरे, तो आप जरूर होमवर्क है ये आपका, जरूर आप पढ़िए और उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। तलवार की धार पर चलने का अर्थ है नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलने का अर्थ है तो सही उत्तर है कठिन कार्य करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। चिकना घड़ा होने का तात्पर्य है चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, भयभीत होना। चिकना घड़ा होने का तात्पर्य है तो इसका सही उत्तर है निर्लज्ज होना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ है होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ है अनुभव होना। सफेद झूठ का अर्थ है सच होना, पूर्णतः असत्य, अभिमान, शिष्ट। क्या बोल रहे हैं? सफेद झूठ, तो इसका सही उत्तर हो जाता है कंप्लीटली, जब आप कुछ गलत बात बोले या असत्य बोले तो उसके लिए उपयोग किया जाता है सफेद झूठ। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना, मीठ होना। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है तो सही उत्तर है अमीट होना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। डोरे डालने का अर्थ क्या है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। डोरे डालने का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाता है प्रेम में फंसना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है? जैसे को तैसा, चलाकी का उत्तर चलाकी से देना, ऊंची कल्पना करना, जमीन पर रहना। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है? सरल है क्वेश्चन, आप जिस भी बुक से हिंदी पढ़े उसमें जरूर ये मिल जाता है, तो मैं चाहूंगा कि इसका आप जरूर होमवर्क में ये क्वेश्चन लें और कमेंट करके बताएं। नौ दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ क्या है? बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, हराम खोरी करना। देखिए क्या था, नौ दिन ही चले अढ़ाई कोस का अर्थ है मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, कहीं एग्जाम में पूछा गया, तो इसका सही उत्तर है बहुत धीमी गति से काम करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, नौ दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार पूछा जाता है ये। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण है, सूफीतमवादी है, वैष्णव मदवादी है, निर्गुण है। कबीर की भक्ति का, देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिए, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है तो इसका सही उत्तर हो जाता है निर्गुण। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा है, मोस्ट टाइम भी लगा लीजिए इस प्रश्न को, कहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है। तुलसीकृत रामचरितमानस ये भी पूछा जाता है, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई, तो तुलसी के जी के द्वारा लिखी गई। तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा है, ऑप्शन है भोजपुरी है, बुंदेली है, ब्रज है, अवधी है। सॉल्व कर लिया होगा आपने, इसका सही उत्तर है अवधी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा,
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोस में डालूँ उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आपके लिए अनिवार्य विषय पर प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम हर दिन आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए, साथ ही साथ हम आपके लिए पेडोगोजी पर भी हमारी देखिए 55 से ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं। और अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8962429353, मेरा नंबर है, सेव कर लीजिए। और आप किसी को भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने पेमेंट कर दिया है तो उनको रिफंड हो जाएगा। अभी भी कुछ स्टूडेंट ने मुझे उनके पेटीएम नंबर नहीं भेजे तो आप जल्दी से भेज दीजिए, मैं एक ही दिन में आप सभी के पेटीएम करवा दूंगा। और आपको कुछ डाउट होते हैं नंबर ज़रूर सेव कर लेना। बात करते हैं इस प्रश्न पर, जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है, छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, कोई नहीं। देखिए किसका बोल रहे हैं, जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है छायावादी। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त, मोस्ट टाइम पे पूछ लिया जाता है कि जय चंद्रगुप्त किसकी रचना, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है, कहानी है, खंडकाव है, नाटक है, उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है नाटक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कुछ डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लीजिए। और अगर ऑनलाइन तैयारी करनी है आपको तो इसको आप बाय कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को, इस कोड को जरूर लगाइए VIJDPB50। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।